I just can't even tell you, just I'm get if I'm getting bored, Ratmid Dobaj, uh, my mood is not well or any

इन योर डेली रूटीन इज वेल सो यस आज का वीडियो भी कुछ ऐसे ही होने वाला है बाकी पहली वीडियोस की तरह ही कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं है रैंडम होने वाले हैं कपल ऑफ थिंग्स आई एम ड्रिंकिंग दीज डे अमेजिंग यू वॉन्ट टू नो वट दैट इज एंड ऑल्सो आप लोगों को पता है अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो नहीं करते हो तो कर लो देर हैव स्टार्टेड माई कर्ली हेयर गर्ल रूटीन यू कैन सी द वेव्स एंड देर आर अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि इंस्टेंटली काम करें हैं एंड वॉज लाइक कि इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर कर्ली गर्ल रूटीन यू स्टिल वॉन्ट टू हैव दिस प्रोडक्ट्स विद यू अपने हेयर केयर के लिए एंड यू कैन न लव दिस सो विदाउट गिविंग यू एनी मोर स्पॉयलर्स इफ यूर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू New to my channel, please take out a moment and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. द फर्स्ट वन ऑफ दैम इज़ दिस बेर एनाटोमी का कर्ल इंटेंसिफाइंग लीव एंड कंडिश्नर नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई लीव एंड कंडिशनर यूज़ कर रही हूँ मैंने इसका और एक और ब्रांडेड जिसका मंगाया था उसका आई एम स्टिल यूजिंग एंड आई एम नॉट वेरी श्योर इफ़ आई लाइक इट और नॉट बट दिस प्रोडक्ट इसको मैंने एक बार यूज़ किया था and i was like okay this is something that i knew i was gonna love and then i started using it a couple more times and i just fell in love with this product in fact uh, just say रात में सोने के बाद सुबह कर्ल्स आर वेरी वोंगी तो कभी कभी ऐसा ना टाइम नहीं रहता है सो आई डू नॉट हैव द टाइम टू प्रॉपर्ली रिफ्रेश माई कर्ल्स उनको डिफ्यूज करो वगैरह वगैरह सो आई जस्ट पुट दिस लीव इन कंडीशनर मेरे ड्राई हेयर पे एंड स्क्रंच थे मैं लिटिल बिट इट गिवस सच ब्यूटिफुल टेक्स्चर एंड मॉइस्चराइज जो करता है ये मेरे बालों को इज़ जस्ट अमेजिंग सो इफ़ यू नो की कॉर्ली वेवी हेयर जो अपने इंडियन हेयर बेसिकली है दे आर वेरी ड्राई इन नेचर सो यू नीड टू हैव प्रोडक्ट्स जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज करें एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गन अ लव तो अगर आप प्रॉपरली करली है गर्ल रूटीन फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो जस्ट आफ्टर योर शार अप्लाई दिस लिविंग कंडीशनर एंड लेट योर हेयर यू नो एयर ड्राई एंड कभी अगर जिसे वाइल गेटिंग रेडी ऑल्सो यू आर फीलिंग कि काफ़ी ज्यादा फ्रिजी हेयर हो रहे हैं तो यू कैन जस्ट टेक लिटिल बिट ऑन योर फार्म इमालसिफाई इट वेल और ड्राई हेयर पे जस्ट रेक इट थ्रू योर हेयर यू आर गन लव 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 दिस प्रोडक्ट लिंक सारी मैं नीचे दे दूंगी तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक देम आउट इफ यू वॉन्ट टू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट बिकॉज मुझे अपने बाल चॉप करवाने पड़ेंगे नीचे से दे आर ऑल डेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटनिंग जो मैं करती आई एथ इतने टाइम से बट आई स्टिल वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग माई हेयर लॉन्ग सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग आउट तो मैंने ये रोजमेरी लीव्स मंगाई हैं एमेजॉन से आईव बीन ट्राइंग आउट प्रोडक्ट्स जिनमें कि रोजमेरी इन्ग्रीडियंट है एंड दे वर्कड गुड फॉर माई हेयर लाइक बेबी हेयर आने लगे हैं अभी तो हेयर स्प्रे मार के मैंने पूरे उनको बिठा रखा है बट या आई हैव अ लॉर्ड ऑफ बेबी आई ंग लॉर ऑफ यू नो ट्राइंग एंड टेस्टिंग तो मैंने ये देखा था इंस्टाग्राम पे एक रील पर देखा था कि आप रोजमेरी मेरी वॉटर

नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट सेम हेयर केयर के लिए जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ इज दिस डिफ्यूजर अब इस डिफ्यूजर से क्या होता है कि इसमें ये जो नॉब है नाव आप लोग अगर सर्च करोगे तो डिफ्यूजर अटैचमेंट के साथ हेयर ड्रायर्स आते हैं बट डिफ्यूज़र लाइक इफ यू आर फॉलोइंग कर गर्ल रूटीन तो आपको डिफ्यूज़र की जरूरत लगेगी बिकॉज ये ना पूरे से एयर को ना डिस्ट्रीब्यूट करके आपके बालों में देता है सो यू कैन जस्ट डिफ्यूज़ योर हेयर एंड आपके कर्ल्स अच्छे से, से सेट हो जाते हैं विदाउट एनी फ्रेज़ क्योंकि एयर ड्राई करते टाइम ह्यूमिडिटी की वजह से ना बाल फ्रीजी हो जाते हैं एंड ऑल्सो अगर आपके पास इतना लंबा टाइम नहीं है जैसे मेरे बाल तो दे टेक टू एंड हाफ थ्री आवर्स गुड टू ड्राई तो आई यूज़ डिफ्यूज़र वेन आई एम रनिंग लेट सो दिस डिफ्यूज़र अटैचमेंट ये सिलीकोन का है सो वट हैपन् के पास कोई भी एग्जिस्टिंग अगर ड्रायर है जिसमें कि ऑलरेडी डिफ्यूज़र अटैचमेंट नहीं था तो आप आराम से इसको स्ट्रेच करके अपने ड्रायर पर लगा सकते हैं एंड इन केस आपके ड्रायर का जो हैड है वो थोड़ा सा वाइड है जैसे कि मेरे uh, ड्रायर का है सो यू कैन जस्ट फोल्ड ये टॉप वाला पार्ट इन साइड एंड नाउ यू हैव अ वाइडर ओपनिंग हेयर एंड देन आप अपने ड्रायर में इसको फिट कर सकते हो एंड ये हाथ से पूरा इसे डिफ्यूज करके हेयर आती है सो येस बेसिकली अगर आपको डिफ्यूज़र चाहिए एंड यू ऑलरेडी हैव अ हेयर ड्रायर सो रादर देन बाइंग द ड्रायर जस्ट फॉर द डिफ्यूजर गेट दिस अटैचमेंट एंड ये यूनिवर्सल है तो ये किसी भी ड्रायर के साथ लग जाएगा एंड दिस वर्कस इट रियली रियोली ग्रेट नेक्स्ट अगैन फॉर माई कॉली गर्ल्स यू नीड दिस बॉनेट टू स्लीप इन विद वॉट आई डू इज कि मैं अपने बालों को आगे करके यहाँ टॉप में पाइन एपल बनाने के बाद मैं ऐसे करके बॉनेट लगा लेती हूँ एंड देन आई स्लीप विथ दिस बॉनेट ऑन तो बॉनेट क्या बेसिकली ये सैटिन के मटेरियल से बना रहता है सो so, अगर आपके पास घर पे सैटिन का मटेरियल है तो यू कैन स्टिच इट आल्सो, बट इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव एमज़ोन पे काफ़ी अच्छा प्राइस, प्राइस मिल गया था uh, इसके साथ तीन स्क्रंचीज भी आई थी एक ये ग्रीन एक ब्लैक मैंने लगाई है एंड एक और आई थी पता नहीं अभी किधर है सो या दिस वॉट इट डज़ इज कि जो कॉटन और हमारे यूजल पिलो केसेज होते हैं ना वो फ्रिज क्रिएट करते बालों में एंड uh, उसके वजह से कर्ली गर्ल्स नो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है यू नो फ्रिज का सो so, सैटिन से वो प्रिवेंट होता है तो यू कैन गेट दिस बोनेट और इफ़ यू डोंट वांट टू गेट द बोनेट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज बाइंग दिस सैटिन पिलो केस ये दो के सेट में आया था एमेज़न पे इनफैक्ट अगर आप ये ले भी रहे हो ना तो भी आई से गो फॉर द बोनेट ऑल्सो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पिलो से नीचे से रख गए या बोनेट ले रहे हो तो भी ये ले लो कि बॉनेट रात में अगर निकल गया तो यू स्टिल हैव डबल प्रोटेक्शन बेसिकली तो ये मैंने दो का सेट लिया था एमेजॉन से दिस इज अटिन पिलोकेस ये भी सैटन का है सो अगैन फ्रीज नहीं होता एंड ऑल्सो स्लीपिंग ऑन सैटन पिलोकेस इज बेटर फॉर योर स्किन एंड आई हैव बिन ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस पिछले एक महीने से आई हैव एन स्लैप्टन कॉटन पिलोकेस सो आईव सीन दैट मेरे फेस पे वो फ्रिक्शन नहीं उतना ज़्यादा होता है सो माई स्किन हैज बीन डूइंग रियोली रियोली गुड

और हर वीक पे उनको रोटेट करते रहो ये भी तीन स्क्रंचीज के साथ था सो प्रिटी कलर सो या ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि हेयर केयर के थे यस इसके अलावा हेयर केयर का कुछ भी नहीं है नाउ टॉकिंग अबाउट द टू ड्रिंक्स दैट आई हैव बिन एंजॉयिंग लेटली ऑब्वियसली वन हैज टू बी कॉफी दिस इज माय फेवरेट कॉफी सो बेसिकली आई केम अक्रॉस दिस कॉफी वन एंड हाफ ययरस बैक बट उस टाइम पे आई यूज टू यूज़ माई कॉफी मशीन फॉर ब्रूइंग यू नो ग्राउंड कॉफ़ी तो मैंने इसका ग्राउंड कॉफ़ी का पाउडर मंगाया था स्लीपी ऑल का हेजल नट वाला एंड आई लव डट एंड मैंने उसके इतने सारे पैकेट्स ख़त्म किया आई कैन नॉट इवन टेल यू लाइक आई हैव जस्ट लॉस्ट काउंट बट इट टेक्स ए लिटिल टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट टू ब्रो द कॉफ़ी सो आजकल वो वाले मोड में मैं नहीं हूँ आई जस्ट नीड एवरी थिंग इंस्टेंट इंस्टेंट सो आई केम अक्रॉस दिस ऑन एमेजोन आई डिड नॉट नो दैट दिस एग्जिस्टेड इसके वजह से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक थ्री फोर मंथस आईव बीन ड्रिंकिंग द यूजल रेग्यूलर नेस कैफे वाला कॉफ़ी बट द मोमेंट आई सॉ दिस आई न्यू हाई हैड टू गेट इट तो ये वही स्लीपिया उल्का इंस्टेंट कॉफ़ी का, uh, का पैक है हेजल नट फ्लेवर द एग्जैक्ट सेम थिंग जस्ट इंस्टेंट वर्जन एंड इसमें मुझे ऐसे लगा था कि मे बी यू नो फन कप ऑफ कॉफी ये कम रहेगा सो आई एड बी यूजिंग लाइक टू पैक्स एक दिन में बट नहीं इट इज जस्ट द परफेक्ट अमाउंट एंड इसका फ्लेवर इतना ज्यादा यू नो स्लीपी आउल की कॉफी आप दी बेस uh, चॉकलेटी uh, फ्लेवर वो रहता है हेजलनट का फ्लेवर है इसमें तो तो इट्स जस्ट परफेक्ट लाइक परफेक्ट इसमें काफ़ी सारे और भी फ्लेवर्स आते हैं इनफैक्ट आई थिंक इसका एक बॉक्स आता है जिसमें यू गेट अ मिक्स ऑफ ऑल द डिफरेंट फ्लेवर्स यू कैन गेट दैट ऑल्सो एंड हॉट कोल्ड कैसे भी आप पी सकते हो सो इट इज़ जस्ट परफेक्ट यू गेट थर्टी सैशेज सो यू यू नो सॉर्ट फॉर द मंथ सो आई रियोली रियोली लव दिस सो इफ़ यू आर ऑल्सो कॉफी एडिक्ट लाइक मी यू हैव टू ट्राई द स्लीपी आउट की कॉफी जो सी वॉट फ्लेवर यू थिंक यू वुड लाइक बट माई फेवरेट फ्लेवर इज हेज़लनाट मैंने इनकी बाकी सारी भी ट्राई की हुई हैं बट हेजलनाट जस्ट इज अमेजिंग जस्ट ट्राई इट आउट एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपकी फेवरेट कॉफी कौन सी है द सेकेंड रिंक ये मैं मॉर्निंग में पीती हूँ कॉफी एंड दिस इज समथिंग दैट आई ड्रिंक एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप सो दिस इज़ द टी बॉक्स की कैमोमा औरगेनिक कैमोमाइल ग्रीन टी एंड हंड्रेड परसेंट होल ग्रीन लीव जीरो परसेंट बिटरनेस यस ज़ीरो परसेंट बिटरनेस है मतलब कि एक आफ्टर टेस्ट बहुत ही स्लाइट एक दो सेकेंड के लिए आता है एंड इसके अंदर ना इस टाइप के पैक्स डिफरेंट डिफरेंट हैं आई थिंक या इस बॉक्स में ट्वेंटी फाइव टी बैग्स हैं एंड इसके पूरे डब्बे में अच्छी खासी ब्रांडिंग इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कि इनके ब्रांड का क्या है इन्ग्रीडियंट्स ये वगैरह वगैरह सब कुछ है तो आप पढ़ सकते हो ऑल यू हैव टू डू इज टेक हॉट वाटर एंड डिप द टी बैग आई जस्ट शो यू एक खोल के दिखाती हूँ सो बेसिकली वैन यू ओपन इट इसमें इस टाइप का एक टी बैग आता है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूर यूजअल टी बैग मतलब कि जो अपने यूजल टी बैग जैसा स्क्वायर से शेप में होते हैं ये बहुत पिरामिड टाइप का शेप है एंड इसका जो मटेरियल है ना वो भी प्लास्टिक नहीं है और साइड्स है ना अटैच्ड ये ग्लू से इन्होंने अटैच नहीं किया है इट एज बिन अटैच्ड यूजिंग अल्ट्रासोनिक बॉन्डिंग जैसे कि नॉर्मल टी बैग्स को आप एक ही बार यूज कर सकते हो इसको आप दो बार यूज कर सकते हो सो so, इसके अंदर ना ऐसे ग्रीन टी जैसे ही लीव्स हैं एंड आल्सो इट हैज वाइट कलर के ड्राइड कैमोमाइल फ्लावर्स एंड इसमें से इंस्टेंटली मुझे ना ड्राई कोकोनट वाली स्मेल आई है mm, मतलब इसको तो काफी टाइम से आई हैव बीन ड्रिंकिंग यू कैन सी आई हैव एमटीड हाफ ऑफ द बॉक्स सो आईव बिन ट्राइंग इट आउट काफ़ी ज़्यादा टाइम से एंड आई एम लविंग इट लाइक सो वेरी मच कैमोमाइल एनी वेज इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्ग्रीडियंट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं या फिर यू हैव एंग्जाइटी प्रॉब्लम और यू फेस डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट तो कैमोमाइल इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्ग्रीडियंट तो इसमें देर आर ओनली टू इन्ग्रीडियंट्स नो अदर इन्ग्रीडियंट इट इज़ ग्रीन टी and chamomile so it is just perfect and organic nothing bad going into your body and this tea has been working so great for me like i have had problem sleeping for so long and anxiety issues and everything has been so much better after I have been drinking this tea mein after I uh, have my dinner third time ke baad, when I go to sleep uske 10 minutes pehle, I just drink this tea and it has been uh, so calming like it just calms my nerves down and I have been loving it if you are also facing similar problems or even if not you just want that sound sleep just buy this and you're gonna love it a and Get 25 pieces, so I think it is a good value for money for what it is doing. So I really really recommend it. Uh, moving to the next product. Oops, I missed another hair care product. So this is emptied. I cannot show you that. So yes, serum dropper is a serum dropper bottle. Hai. This is the pilgrim car ridden and and again. एडवांस हेयर ग्रोथ सिरम विद ग्रीन टी ऑल हेयर टाइप्स के लिए आइए इस पर मैंने एक बार पहले भी वीडियो किया था मैं लिंक कर दूंगी उस टाइम पे आई वॉज स्टिल यूजिंग द प्रोडक्ट सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर इफ़ इट वुड वॉक और नॉट तो इस प्रोडक्ट को मैं खत्म कर चुकी हूँ एंड नाउ आई हैव स्विच टू द रोजमेरी वाला थिंग बट उससे पहले मैं इसको यूज़ करती थी इसमें रेडन साइल है विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड ये है ही हेयर ग्रोथ सीरम सो आफ्टर यूजिंग दिस एंटायर बॉटल आई रियोली सॉ बेबी हेयर कमिंग आउट ऑफ माई स्कैल्प दिस इज सच अ ग्रेट सीरम इट वर्क सो ब्यूटिफुली फॉर मी मैं इसको रात में अपने पूरे रूट्स पर लगा के अच्छे से uh, मसाज करके आई यूज टू स्लीप एंड सुबह मैं अपना हेयर वॉश कर लेती थी सो so, अगर आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो फॉर हेयर ग्रोथ यू शूड डेफिनेटली डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट आउट इसी रेंज का आई थिंक आई हैड अ हेयर मास्क ऑल्सो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है लाइक इट इज़ अ व व वेरी वेरी गुड हेयर मास्क बट डज इट वर्क फॉर हेयर ग्रोथ आई वुड नॉट से दैट क्योंकि हेयर मास्क तो हम अपने लेंथस पर ही लगा रहे हैं एंड वहां से आपको हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली है बट इट इज अ गुड मास्क आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं इट स्मेल ब्यूटिफुल बट फॉर हेयर ग्रोथ यू नीड टू ट्राई दिस सीरम आउट इट इज जस्ट अमेजिंग मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट एक स्किन केयर प्रोडक्ट है ये सेकेंड टब है जो मैं ऑलमोस्ट फिनिश करने वाली हूँ आई विल शो इट पहला टब तो मैं बिल्कुल अच्छे से साफ कर चुकी थी जिससी थोड़ा सा बस इसमें बचा हुआ है प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को काफी टाइम से रिकमेंड कर

स्किन I have been this as well, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है बट कंपेयर टू आर नॉर्मल जेल मॉइस्टराइजर उतना ऐसा लाइट वॉटर जैसा नहीं है इट फील्स लाइक अ थिक लेयर ऑन योर स्किन क्योंकि अगेन इट इज़ अ स्लीपिंग मास्क बट इसी रेंज का मॉइस्चराइजर भी आता है तो अगर आपको वो थिक मास्क वाली फीलिंग नहीं चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो बट आई र्यूअली लव दिस प्रोडक्ट इतने अच्छे से मॉइस्चर लॉक कर देता है आपकी स्किन में रात में लगाओ सुबह आपकी स्किन एकदम ग्लोई ग्लोई सी लगेगी इनफैक्ट मैं इसको दिन में भी यूज़ कर लेती हूँ इवन दो इट सेज स्लीपिंग मास्क यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग द डे इज़ वेल मैं इसको लगा लेती थी एक लेयर एंड वो मॉइस्चर इस तरीके से मेरी स्किन मस्त एकदम प्लम्प हो जाती थी एंड देन आई यूज टू अप्लाई मेकअप ऑन टॉप एंड मेरा मेकअप पूरे दिन बिल्कुल ड्राई मेरी स्किन फील नहीं करती थी सो दिस इज सच अ गुड मॉइस्चराइज़र आई हैव बिन लविंग दिस मॉइस्चराइजर इनफैक्ट इनका एक और मॉइस्चराइजर है आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ग्रीन टी या नहीं टी ट्री ऑस्ट्रेलियन टी ट्री वाली रेंज का जो मॉइस्चराइजर है दैट मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो सो गुड सम वट सिमिलर कंसिस्टेंसी है बट देन इट इज अ मॉइस्चराइजर इससे हल्का लाइट वेट है वो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग वो मेरा खत्म हो गया था उसके बाद मैंने इसका एक और टब यूज़ किया अब मैं इसका सेकंड टब यूज करूँ बट आफ्टर दैट आई हैंग टू ट्राई डिफरेंट मॉइस्चराइजर आई डोट वॉन्ट टू स्टिक टू वन यू नो आई नीड टू गिव यू अदर रिकमेंडेशन ऑल्सो बट उतना ज्यादा ही एक्सपेंसिव भी नहीं है सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ बॉडी लोशन नाउ दिस इज मोर ऑफ अ सनस्क्रीन बॉडी लोशन इसमें एस पी एफ फिफ्टी है पी ए ट्रिपल प्लस फॉर एवरी डे सन प्रोटेक्शन साथ के साथ इसमें नायासेनामाइड है जो आपकी बॉडी में अगर कोई स्कॉर्स हैं या आपकी ऑयली स्किन है बॉडी की भी तो ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प करता, uh, करता है ओ सॉरी ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है देन दिस है सेरामाइड्स तो अगर आपकी बॉडी की स्किन का मॉइस्चर बैरियर डैमेज है तो ये वो भी रिपेयर कर देगा कैरेट सीड्स एंड रासबेरी सो इट इज़ व वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर मैं काफ़ी टाइम से आई वॉज लुकिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर जिसमें कि एस पी एफ है क्योंकि फेस पे तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ सो माई फेस डज नॉट हैव एनी टैनिंग व्हाट्सो एवर बट माई स्किन वॉज स्टार्टिंग टू गेट टैंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्की लाइन बन गई थी अभी तो ये हट गई है क्योंकि आई एव बन यूजिंग दिस फॉर अ मंथ नाउ बट या आई वॉज हैविंग टू डिफरेंट स्किन टोन्स यहाँ पे क्योंकि आई यूज़ टू वेयर हाफ स्लीव तो उसके वजह से टैन लाइन बन गई थी सो वॉट आई डू इज आई अप्लाई दिस एवरी डे बिफोर स्टेपिंग आउट ऑन माई एंटायर बॉडी इट इज़ जस्ट लाइक अ यूजअल लोशन जैसा अपना नीविया वैजिलीन होता है बस इसमें एस पी एफ फिफ्टी है तो आपका बॉडी पूरे दिन प्रोटेक्टेड रहता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव ये दो सौ एम एल का बॉटल है एंड इट इज फॉर

प्रोटेक्शन देता है सन प्रोटेक्शन देता है तो इससे अदा और क्या ही चाहिए तो आई थिंक दिस वॉज द टेंथ प्रोडक्ट एंड विद दिस वी आर डन विथ टू डेज वीडियो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स कैसे लगे इनमें से आप कुछ ट्राई कर चुके हो कि नहीं या फिर सम प्रोडक्ट्स एमेज़ॉन से जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करके रिव्यू करूँ तो लेट मी नो एवरीथिंग इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एमेजॉन वीडियो बनाओ तो मैं वो भी कर सकती हूँ जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड येस इफ यू लाइक टू डे वीडियो डोंट फर्ग टू गिव इट अ थम्स अप शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय